नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज की वीडियो में हम लोग मैक्रो थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को ही आगे बढ़ाते हुए रिकार्डो के मॉडल के बाद अब हम लोग कार्ल मार्क्स का मॉडल कर रहे हैं। मार्क्स की जो थ्योरी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी रिकार्डो की थ्योरी से ही इंस्पायर्ड है। हालांकि ये एक अलग बात है कि एंड तक जाते जाते हम देखेंगे कि दोनों के एनालिसिस में बहुत डिफरेंट है, विश्लेषण में अंतर है, उसके अलावा उनके नतीजे भी अलग अलग हैं। तो शुरू करते हैं। कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है मार्क्स की थ्योरी को समझने के लिए, तो पहले उसको समझते हैं। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू क्या होती है? तो जैसे एडम स्मिथ और रिकार्डो का बिलीफ था, उसी तरीके से मार्क्स ने भी ये माना कि जितनी भी वैल्यू क्रिएट होती है किसी भी चीज़ में वो लेबर की वजह से होती है। तो लेबर ही किसी भी वैल्यू को जनरेट करता है, बाकी के जो फैक्टर्स होते हैं, रॉ मटेरियल है, मशीनें हैं, वो अपनी वैल्यू को ट्रांसफ़र करती हैं, लेकिन लेबर जो है जितना उसको मिलता है उससे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, दूसरी बात है वैल्यू ऑफ लेबर पावर, ये है उसकी लेबर पावर को, यानी कि लेबर को उसके एफर्ट्स के बदले में जो दिया जाता है उसको वैल्यू ऑफ लेबर पावर कहते हैं, यानी वेजेस कुल मिला के सीधे शब्दों में। सरप्लस वैल्यू क्या है इसको समझिए ज़रूर ध्यान से, क्योंकि ये मार्क्स की किसी भी थ्योरी का एक मेन पिवोटल पॉइंट है। तो सरप्लस वैल्यू को हम समझते हैं कि यदि मान लीजिए कि मैं आपके पास काम करती हूँ और मैं 1200 रुपये का एक बैग बना के आपको देती हूँ एक दिन में, तो उसके बदले में आप मुझे कितना दोगे, है ना? वैल्यू ऑफ लेबर पावर, ये सेकेंड वाली चीज़। ये आपने मुझे कितना दिया, आपने मुझे वापस रिटर्न में कितना दिया, 500 दिया, मान लीजिए 500 दिया, तो ये जो 700 बच गया, 1200 में से 500 यानी 700 बचा, वो है सरप्लस वैल्यू, अतिरेक मूल्य। और वो कौन कमा गया, वो कैपिटलिस्ट कमा गया, आप कमा गए मुझसे। ठीक है, तो इस तरीके से ही कैपिटलिज्म यहीं से डेवलप होता है, राइट? ये कहानी लंबी है इसलिए हम वापस यहाँ आते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है। टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट में तीन चीज़ें हैं, कांस्टेंट कैपिटल है यानी कि पूरा सेटअप लेबर के अलावा बाकी सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं जो किसी चीज़ को बनाने के काम में आती है वो कांस्टेंट कैपिटल में आ गया, मशीनरी है, रॉ मटेरियल, एवरीथिंग। वेरिएबल कैपिटल अगेन जो मजदूरों को जो कुछ दिया जाता है उनके बदले में, और मजदूरों को आप याद रखें कि इन्होंने भी यही माना कि सब्सिस्टेंस वेजेस ऑफ लो दी जाती हैं, यानी कि उतनी ही मजदूरी दी जाती है लॉन्ग रन में जितनी कि उसको जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो वेरिएबल कैपिटल वो हो गई। सरप्लस वैल्यू हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, अब नेट आउटपुट को समझ लेते हैं। तो नेट आउटपुट का मतलब है कि आप इसको में से कांस्टेंट कैपिटल को निकाल दीजिए, जब इसको निकाल दोगे तो ये बच जाएगा V प्लस S। V क्या है, वे शेयर है, है ना, क्योंकि लेबर को मिलता है, तो ये वे शेयर है, लेबरर्स का शेयर, और ये है एंटरप्रेन्योर का या पूंजीपति का शेयर या प्रॉफिट शेयर भी इसको कह सकते हैं S। तो नेट आउटपुट में ये दो चीज़ें आती हैं। मार्क्स कहते हैं कि पूंजीवाद में जो कैपिटलिस्टिक पावर्स हैं वो इस तरीके से काम करती हैं, पूंजीवादी जो पावर्स हैं, शक्तियां हैं, वो इस तरीके से काम करती हैं कि रेट ऑफ एक्सप्लोइटेशन को बढ़ाना या शोषण की दर को बढ़ाना एक मजबूरी बन जाती है। अब ये शोषण की दर क्या बला होती है, ये होती है सरप्लस वैल्यू ओवर वेरिएबल कैपिटल एस बाय वी। एस बाय वी का बढ़ाना मतलब वही है कि आप जो है अपना प्रॉफिट, यानी कि लेबर को कम से कम दे के अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा रखो, तो ये ज़रूरत बन जाती है। क्यों बन जाती है, क्योंकि पूंजीपति आपस के अंदर कंपीट करने लगते हैं, आपस में उनकी प्रतियोगिता बढ़ जाती है, इसीलिए उनको एस बाय वी को बढ़ाना पड़ता है। अब इसके तीन तरीके हैं, या तो वर्किंग आवर्स बढ़ाओ, तो वो ऑलरेडी आप पहले उनसे बहुत ज़्यादा काम ले रहे हो, इंटेंसिटी बढ़ाओ यानी कि उनको काम पे जोर दिया जाए कि भाई बहुत जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी काम करो, वॉशरूम भी नहीं जाने दिया जाता, मैंने ऐसा सुना है। ठीक है, और उन पे लॉक लगा देते हैं और उनको उनसे काम करवाते हैं, इनह्यूमन कंडीशन में काम करवाते हैं, तो वो इंटेंसिटी बढ़ाना, तो वो भी ऑलरेडी हो रहा है। तो तीसरा तरीका है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता कैसे बढ़ेगी, मशीनीकरण के थ्रू, मैकेनाइजेशन के थ्रू, नई नई मशीनें ला के दो, कंप्यूटर आ गया, रोबोट आ गया, है ना, नए नए इक्विपमेंट्स आ गए जिनसे कि काम जल्दी हो। अब उसका क्या साइड इफेक्ट है, उसका साइड इफेक्ट ये है कि उससे बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि अब मशीनें ज़्यादा आ गई हैं तो लोगों की कम ज़रूरत है, तो बेरोजगारी बढ़ी, तो बेरोजगारी बढ़ेगी तो बेसिकली वेस्ट का शेयर बढ़ेगा। हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, जो हम कर रहे हैं ना, थ्योरी कर रहे हैं, तो उसमें यही हमने बताना है कि वेस्ट शेयर घटता है और प्रॉफिट का शेयर जो है
वो बढ़ता जाता है ना, इनकम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। अब इसी से बेरोजगारी से रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर और इमिसरेशन ऑफ प्रोलेटेरिएट, यानी कि मजदूरों की हालात जो है बद से बदतर होती चली जाती है, ये एक नया इशू आ गया, इसको हम छोड़ते हैं। हम इस थ्योरी में रहते हुए जिक्र करते हैं कि रिकार्डो से मार्क्स किस तरीके से डिफरेंट है, यहाँ तक जो हमने किया उसमें क्या अंतर है दोनों के अंदर। तो मार्क्स जो है दो फैक्टर्स को लेके चलते हैं, लेबर और कैपिटल को, यहाँ ये लैंड को भी साथ में लेते हैं, तीन फैक्टर्स की बात करते हैं। ये कहते हैं वेज शेयर घटता है, ये कहते हैं वेज शेयर बढ़ता है। मार्क्स कहते हैं कि वेज शेयर घटता है लेकिन प्रॉफिट बढ़ता है, और प्रॉफिट में भी रेट ऑफ प्रॉफिट घटती है। अब इसको समझ लो कि जैसे हम कहें कि इंडिया की पॉपुलेशन की क्या सिचुएशन है, आप कहेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, एब्सोल्युटली बढ़ रही है, यानी कि नंबर्स में बढ़ रही है, लेकिन जो बढ़ने की दर है वो कम हो गई है। उसी मायने में प्रॉफिट बढ़ता है लेकिन रेट ऑफ प्रॉफिट घटना शुरू हो जाता है, और उसका कारण उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल चेंज हो जाती है। अब ये क्या बला होती है ये मैं आपको नेक्स्ट में करवाती हूँ। और इधर रिकार्डो कहते हैं कि प्रॉफिट घटता है और इकोनॉमी जो है वो मूव करना बंद कर देती है, ग्रोथ बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, स्टेग्नेशन आ जाती है। और उसका कारण उन्होंने ये बताया कि जो लेबर का जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो घटता हुआ होता है, जो वेरिएबल फैक्टर है उसका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है घटता जाता है, तो इस वजह से ऐसा होता है। अब समझते हैं ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल क्या होती है। तो ये होती है सी बाय सी प्लस वी, यानी कि कांस्टेंट कैपिटल का टोटल कैपिटल में कितना हिस्सा है, यानी मशीनीकरण कितना हुआ कुल मिला के, यदि सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये होती है ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। इसको आप दिमाग में रख लीजिए, आगे ज़रूरत पड़ेगी। रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो क्या होती है, हमने कहा रेट ऑफ प्रॉफिट डिक्लाइन होती है, कम होती है, कम होती जाती है। तो उसको समझते हैं, तो वो है कि टोटल कैपिटल में सी प्लस वी टोटल कैपिटल होगी, टोटल कैपिटल में सरप्लस वैल्यू आपका कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा सरप्लस वैल्यू आप क्रिएट करते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपके का प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। अब थोड़ा मैथमेटिकल ड्रामा करते हैं इसके साथ। इसको यदि हम इक्वेशन वन माने और इक्वेशन वन को वी बाई वी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास निकल के आएगा एस सी प्लस वी इंटू वी बाई वी, राइट। इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं एस बाय वी, ये होगी रेट ऑफ एक्सप्लोटेशन, और ये बन गया वी बाय सी प्लस वी, यानी कि वेरिएबल कैपिटल का टोटल कैपिटल में हिस्सा। अब इसको हम लिखने का एक और तरीका निकालते हैं कि हमारा सी बाय सी प्लस वी कॉन्स्टेंट कैपिटल का टोटल कैपिटल में हिस्सा, वी बाय सी प्लस वी ये वेरिएबल कैपिटल का हिस्सा, दोनों को प्लस कर दें तो वन बन जाएगा। अब हम वन में से सी बाय सी प्लस वी यानी कि कांस्टेंट कैपिटल का हिस्सा निकालें तो वेरिएबल कैपिटल का हिस्सा बन जाएगा, निकल आएगा, ठीक है। तो इसकी जगह यानी ये यहाँ पर है, इसकी जगह हम इस चीज़ को रख लें, रिप्लेस कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब ये दिक्कतें छोटी मोटी हैं तो भी कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स वाले ऐसा ही कुछ करवाते हैं। वन माइनस ये बन गया वन माइनस सी बाय सी प्लस वी। अब यही है, इसी के थ्रू जो है मार्क्स अपनी सारी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं कि यदि रेट ऑफ एक्सप्लोइटेशन पी क्या है, रेट ऑफ प्रॉफिट एस बाय वी, रेट ऑफ एक्सप्लोइटेशन यदि एज इट इज रहे तो यदि मैकेनाइजेशन या मशीनीकरण को यदि आप बढ़ाते हैं तो क्या होगा, रेट ऑफ प्रॉफिट वन में से माइनस हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। तो यही उन्होंने एक्सप्लेन किया और समझाया। तो टोटल कुल मिला के मार्क्स की थ्योरी यहाँ कंप्लीट होती है। और यदि क्रिटिसिज्म की बात करें तो क्रिटिसाइज तो नेचुरल है, हर एक थ्योरी होती है, तो मार्क्स तो बहुत क्रिटिसाइज हुए हैं। पहली बात, वो बैड प्रॉफिट थे रिकार्डो की तरह, कि उनकी उन्होंने जो कुछ कहा वो प्रूव नहीं हुआ। दूसरी बात, उनकी जो लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू है वो चैलेंज हुई कि अकेला लेबर ही नहीं बाकी सारे फैक्टर्स भी तो हैं जो वैल्यू क्रिएट करते हैं। दूसरी बात है कि लेबर शेयर उन्होंने कहा कि घटेगा तो वो स्टेग्नेट जरूर हुआ लेकिन घटा बिल्कुल भी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि रेट ऑफ प्रॉफिट डिक्लाइन करेगी आप, रेट ऑफ प्रॉफिट तो कोविड के टाइम पर नहीं डिक्लाइन की, कब तब नहीं घटी तो अब तो क्या ही घटनी, तो रेट ऑफ प्रॉफिट लगातार बढ़ी और उसी वजह से कैपिटलिज्म ने भी या पूंजीवाद ने भी सब तरफ पैर पसारे, तो इसलिए उनकी वो समाजवाद साम्यवाद वाली अवधारणा जो है उतनी फ्रूटफुल या उतना जो है उसका रिजल्ट जो है पॉजिटिवली नहीं निकला। तो मार्क्स यहीं आपका ख़त्म होता है। नेक्स्ट आप कैलिस्की के मॉडल में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉच।
वॉचिंग एंड खुश रहे।